Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 1971 की फिल्म समर ऑफ 42 के बारे में, जिसकी कहानी हर्मन रॉचर ने लिखी है और ये कहानी हर्मन की जिंदगी के बारे में ही है। हर्मन यानी कि हर्मी समर की छुट्टियां बिताने एक आइलैंड पर गया था, जहां उसे डोरोथी नाम की एक औरत मिली जिसका पति वर्ल्ड वॉर टू की लड़ाई का हिस्सा था। और ये कहानी हर्मी के उसी समर वेकेशन के बारे में है, जहां उसे डोरोथी से एक तरफा प्यार हुआ था। 15 साल की उम्र में हर्मी नैनटकेट आइलैंड पर छुट्टियां बिताने गया था, जिन छुट्टियों को वो आज याद कर रहा है। उस वक्त आइलैंड पर उसके साथ उसके दो दोस्त ऑस्की और बेंजी थे और बीच पर खेलते हुए उनकी नज़र एक सिपाही पर गई जो अपनी पत्नी के साथ एक घर में रहता था। और उस वक्त उस सिपाही की पत्नी से हर्मी की नज़र नहीं हटी। और उस दिन के बाद वो हर वक्त उसी के बारे में सोचने लगा। एडोलेसेंस की उम्र में ऑस्की उस आइलैंड पर मौजूद हर एक लड़की के पास जाना चाहता था, पर हर्मी अब भी उसी औरत के बारे में सोच रहा था। एक दिन हर्मी ने उसी औरत को फिर से देखा जो अपने पति से अलविदा कहने आई थी, क्योंकि वो वॉर में लड़ने जा रहा था। और उस वक्त हर्मी को एहसास हुआ कि वो उसे पसंद करने लगा है। वो टीनेजर्स अपनी उम्र के बढ़ने के साथ साथ अलग अलग चीजें एक्सप्लोर कर रहे थे और जल्द से जल्द बड़े होना चाहते थे। इसलिए बेंजी ने अपने घर से एक अडल्ट किताब चुराई, जिसे वो तीनों पढ़ने के लिए रोज मिला करते थे। एक तरफ जहां ऑस्की और बेंजी अपनी दुनिया में गुम थे, वहीं दूसरी तरफ हर्मी उस औरत को देखने के मौके ढूंढ रहा था। ऑस्की हर्मी को इस बात पर चिढ़ाने लगा और उससे उस औरत से बात करने के लिए कहने लगा। पर जब वो उस औरत से बात करने गया तो उन दोनों ने उसे वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। हर्मी उनके इस मजाक से खुश नहीं था और इसीलिए उसके और ऑस्की के बीच लड़ाई हो गई। देखते ही देखते उनका झगड़ा बढ़ गया और हाथापाई होने की वजह से ऑस्की और बेंजी हर्मी को वही छोड़कर वहां से चले गए। उस शाम हर्मी बाजार गया, जहां उसके सामने वही औरत फिर से आई और मौका देखते ही वो उसकी मदद करने उसके पास जा पहुंचा। हर्मी ने उसका सामान उसके घर तक पहुंचाने में मदद करने की बात की और रास्ते में उनके बीच काफी बातें हुई। ऑस्की और बेंजी ने उसे उस औरत के साथ देखा, पर हर्मी मुंह छुपाकर वहां से गुजर गया। बहुत मुश्किल से भारी सामान घर तक लाने में वो कामयाब हुआ और उस औरत ने हर्मी का शुक्रिया अदा करने के लिए उसके लिए कॉफी बनाई। हर्मी से उसके बारे में पूछने पर उसने बताया कि वो स्कूल के बाद आर्मी ज्वाइन करने वाला है और अपनी उम्र से बड़े लोगों जैसा बर्ताव करने के लिए उसने कहा कि वो कॉफी पीता है, वो भी दूध और शक्कर के बिना। इतना ही नहीं, वो अपने बारे में कई झूठी बातें कहने लगा, जिससे उस औरत को लगे कि वो अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर्ड है। ऑस्की अब भी दूसरी लड़कियों के पास जाना चाहता था और इसीलिए उसने हर्मी और बेंजी के साथ एक दिन उन लड़कियों के साथ फिल्म देखने का प्लान बनाया। पर डर के मारे बेंजी वहाँ से भाग गया और फिल्म देखने हर्मी और ऑस्की दो लड़कियों के साथ चले गए। वो दोनों ही अपने डेट से खुश थे, पर हर्मी के लिए खुशी दुगनी थी, क्योंकि उस औरत डोरोथी ने उसे अगली सुबह अपने घर बुलाया था। और हर्मी खुशी खुशी कॉफी पीने अगली सुबह डोरोथी के घर पहुँच गया, पर वहाँ पहुँचने पर डोरोथी ने उसे घर की सफाई के काम में लगा दिया। हर्मी को फिर भी इसमें कोई एतराज नहीं था। डोरोथी की मदद करने के बाद हर्मी ने उससे बात करने की कोशिश की और उससे कह दिया कि वो उसे पसंद करता है, जिसके जवाब में डोरोथी ने सिर्फ उसका शुक्रिया अदा किया। हर्मी डोरोथी की इज्जत करने लगा था और उसे दिल से पसंद करने लगा था, पर ऑस्की का ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर था और वो हर्मी को भी सिर्फ डोरोथी के करीब जाने की सलाह दे रहा था। उसने अगली सुबह हर्मी से कहा कि वो उन दोनों लड़कियों एगी और मेरियम को बीच पर बुलाने वाला है। उस रात बीच पर मार्शमेलो खाते हुए हर्मी और एगी साथ थे और दूसरी ओर ऑस्की मिरियम के साथ था। एगी नहीं जानती थी कि ऑस्की और मिरियम के बीच क्या हो रहा है, पर जब उसे पता चला कि आखिर उन दोनों ने बीच पर आने का प्लान क्यों बनाया, तो वो वहाँ से भाग गई और अपने घर चली गई। उस पूरी रात हर्मी उसी बीच पर अकेले घूमता रहा और अगली सुबह वो डोरोथी के घर तक पहुँचा, जहाँ उसने उसे घर के बाहर कुछ चिट्ठियाँ लिखते हुए देखा। हर्मी ने डोरोथी से पूछा अगर वो उस रात डोरोथी से उसके घर मिलने आए तो उसे परेशानी तो नहीं होगी। तो जवाब में डोरोथी ने कह दिया कि वो चाहती है वो उसके घर आए
और जब अपनी लिखी चिट्ठियां देने वो पोस्ट ऑफिस जाने लगी तो हर्मी खुशी खुशी अपने घर रात की तैयारियां करने चला गया। वो पूरी तरह तैयार होकर सूट पहनकर बाहर जाने लगा और जैसे ही घर से बाहर निकला तो उसके सामने ऑस्की आ गया, जो उसके पास सिर्फ उसे ये बताने आया था कि मिरियम और उसका रिश्ता खत्म हो चुका है क्योंकि मिरियम का अपेंडिक्स फट गया है और उसे आइलैंड से निकलकर वापस शहर ले जाया गया है। हर्मी अब ये मानने लगा था कि वो बच्चा नहीं रहा और एक अडल्ट है, इसलिए उसने ऑस्की की बातों पर ध्यान नहीं दिया और इसी बीच उन दोनों की फिर से लड़ाई हो गई और ऑस्की गुस्से में वहाँ से चला गया। ऐसा होने पर भी हर्मी नहीं रुका और डोरोथी के घर की ओर बढ़ा, पर वहाँ पहुँचने पर उसने देखा कि घर में ना तो कोई है और ना ही किसी की आवाज आ रही है। उस घर में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। हर्मी डोरोथी को आवाज लगाते हुए अंदर गया। अंदर जाने पर उसने एक शराब की बोतल, एक बचता हुआ रिकॉर्ड प्लेयर और कुछ जली हुई सिगरेट्स देखी और उन सिगरेट्स के पास उसे एक टेलीग्राम मिला जिसमें लिखा था कि डोरोथी का पति वॉर में लड़ते हुए फ्रांस की तरफ बढ़ा और वही मारा गया। वो टेलीग्राम पढ़ते हुए उसे डोरोथी की आवाज आई जो अपने कमरे से बाहर आ रही थी। हर्मी ने देखा कि वो अपने कमरे से रोते हुए बाहर आई है और उसे समझ आया कि डोरोथी के लिए खुद को संभालना उस वक्त कितना मुश्किल था। वो चुपचाप उसे टूटते हुए देख रहा था और फिर उसने डोरोथी से कहा कि वो उसके दर्द को समझता है। डोरोथी ने म्यूजिक चलाकर हर्मी से उसके साथ डांस करने के लिए कहा और डांस करते हुए हर्मी उसे संभालने लगा। बिना कोई बात कहे वो दोनों उस वक्त एक दूसरे के करीब आए। और कुछ वक्त बाद डोरोथी हर्मी को अपने कमरे में ले गई जहां वो दोनों एक साथ रहे। पर अब भी डोरोथी बेहतर महसूस नहीं कर पाई थी और इसलिए बिना कोई बात किए वो उस कमरे से बाहर चली गई और हर्मी को वही छोड़ गई। हर्मी भी उसके हालात समझ गया था, इसलिए वो भी अपने घर जाने के लिए निकलने लगा। जाने से पहले डोरोथी ने हर्मी से सिर्फ गुड नाइट कहा और हर्मी गुड नाइट कहकर वहाँ से चला गया और वो आखिरी बार था जब उसने डोरोथी को देखा। अगली सुबह हर्मी से मिलने ऑस्की आया और उन दोनों ने एक दूसरे से बात करके अपना झगड़ा खत्म किया। ऑस्की ने बताया कि मिरियम जल्द ही ठीक हो जाएगी पर इस आइलैंड पर वो वापस नहीं आने वाली। वो चाहता था कि हर्मी उससे बात करे और अपने दिल की बात कहे क्योंकि वो जान चुका था कि डोरोथी के साथ क्या हुआ है। पर हर्मी फिर भी चुप रहा। वो अपनी और डोरोथी के बीच हुई बात को सुलझाना चाहता था और इसलिए वो डोरोथी के घर की तरफ बढ़ा और ऑस्की अब भी इस बारे में कुछ नहीं जान पाया। डोरोथी के घर पहुंचने पर हर्मी को पता चला कि वो पिछली रात ही आइलैंड छोड़कर वहां से चली गई है और जाते जाते अपने पीछे वो सिर्फ एक नोट छोड़ गई है जिस पर हर्मी का नाम लिखा था। उस नोट को लेकर हर्मी वही बैठ गया और उस नोट को पढ़ने लगा। उसमें डोरोथी ने लिखा था कि उसे आइलैंड छोड़कर अपने घर वापस जाना पड़ेगा क्योंकि अब उसे बहुत से काम पूरे करने हैं। उसने लिखा कि वो उम्मीद करती है हर्मी उनके बीच हुई चीजों को समझेगा और उसे गलत नहीं मानेगा। उसने ये भी लिखा कि वो हमेशा हर्मी को याद रखेगी और उम्मीद करती है कि वो हमेशा खुश रहेगा। इन्हीं बातों को पढ़कर हर्मी ने उस दिन के बाद डोरोथी को हमेशा के लिए याद रखा, पर वो अपने पीछे उस आइलैंड पर बहुत सी यादें छोड़ गया। उस दिन के बाद ना तो उसने कभी डोरोथी को देखा और ना उसे उसकी कोई खबर मिली। वो अपने दोस्तों के पास चला गया और उम्र में बड़े होकर हर्मी को समझ आया कि उस वक्त बच्चे ये नहीं समझ पाते थे कि वो आखिर महसूस क्या करते हैं, पर डोरोथी की वजह से हर्मी के लिए ये हमेशा के लिए बदल गया। और जिस तरह बेंजी ने उस आइलैंड पर अपनी घड़ी खो दी और ऑस्की ने अपना हारमोनिका खो दिया, उसी तरह हर्मी ने अपने आप को खो दिया और हमेशा के लिए बदल गया और मैच्योर्ड हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।